हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का रिवीजन करवाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। स्टूडेंट्स, आपको पता है डाइजेशन किसे कहते हैं? डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जो है कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस में विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। स्टूडेंट्स, एंजाइम्स को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कैटलिस्ट क्या होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बदल देते हैं विदाउट इटसेल्फ टेकिंग पार्ट इन इट, तो ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहलाते हैं एंजाइम्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इट इंक्लूड्स डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड एलिमेंट्री कैनाल्स। डाइजेस्टिव सिस्टम मिलके बना है एलिमेंट्री केनाल से और वेरियस ग्लैंड से। तो हम पहले बात करते हैं कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं एलिमेंट्री केनाल के, तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। और ग्लैंड्स की बात की जाए तो माउथ के अंदर होती है सलाइवरी ग्लैंड होती है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, पेनक्रियाज, और इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पाई जाती है। तो ये मिलके पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। स्टूडेंट्स, इसकी फिजियोलॉजी बता देती हूँ मैं। जब आप फूड ईट करते हो तो माउथ के अंदर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए, टीथ जो है फूड का मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं, लार्ज पीसेस को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करती है। सलाइवा के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सलाइवा जो है फूड को लुब्रिकेट करता है, गीला कर देता है ताकि फूड जो है आसानी से बकल कैविटी से स्टोमक में चला जाए। दूसरा, सलाइवा जो है उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं अमाइलेज या फिर टाइलीन। अमाइलेज का फंक्शन क्या है? अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को सिंपल शुगर्स में, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, और ओनली 30% स्टार्च इज डाइजेस्टेड इन द माउथ। नेक्स्ट 70% डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आगे बात करते हैं इसोफेगस की। इसोफेगस में किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। इसोफेगस की वॉल्स में जो है पेरिस्टलेटिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टलेटिक मूवमेंट किसे कहते हैं? रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द इसोफेगस पुशेस फूड फ्रॉम बकल कैविटी इनटू स्टमक। इट एक्ट जस्ट एज अ पैसेज ओनली। नाउ स्टमक की बात की जाए तो स्टोमक की बात करें ना, स्टोमक की वॉल जो होती है ना, वॉल्स के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या रिलीज़ करती है? गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करती है। अब गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन सी चीज़ें होती है? तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है, देखते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम दैट इज़ पेप्सिन एंड म्यूकस। ये तीन चीज़ें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज़ करती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है फूड के डाइजेशन का मीडियम एसिडिक कर देता है। एसिडिक मीडियम इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि पेप्सिन जो है ना वो केवल एसिडिक मीडियम में ही एक्टिवेट होता है। और म्यूकस क्या करता है? देखो, म्यूकस जो है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपको पता होगा, और बहुत ही कोरोसिव एसिड होता है। तो स्टोमक की वॉल्स जो है प्रोटीन की बनी हुई होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो हम कह सकते हैं इसको ये प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस जो है ना, सबसे पहले रिलीज होके स्टोमक की वॉल को ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट से उसको प्रोटेक्ट करता है। और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, मींस स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जो है फूड जो है सेमी सॉलिड के फॉर्म में होता है और इसे हम बोलते हैं चाइम। अब फूड जो है एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक के जंक्शन पे एक मसल पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं स्फिंक्टर मसल, जो कि फूड की एंट्री स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में कंट्रोल करती है। उसकी बैकवर्ड एंट्री स्टोमक में वापस नहीं जाने देता है। ठीक है, इट प्रिवेंट्स बैकवर्ड फ्लो ऑफ फूड। अब हम बात करते हैं, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आ जाता है ना, तो वहाँ पे जो है लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो है और पेनक्रियाज अपना सिक्रीशन जो है उसमें डालती है। तो बात करते हैं लीवर की। लीवर जो है, लीवर रिलीज़ करता है देखिए बाइल जूस। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल? बाइल के दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है। फर्स्ट, बाइल क्या करता है? यहाँ पे फूड का जो डाइजेशन का जो मीडियम है ना, वो अल्कलाइन कर देता है।
स्टोमक में एसिडिक मीडियम था, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के डाइजेशन का मीडियम क्या होता है, बेसिक अल्कलाइन होता है, तो ये कौन करता है, बाइल करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन बाइल का क्या है, फैट के बड़े बड़े पार्टिकल्स को ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है, ताकि जो लाइपेज है, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, आसानी से उस पर एक्ट कर सके। तो ये तो हुए बाइल के फंक्शंस। अब हम बात करते हैं पेनक्रियाज के फंक्शन। पेनक्रियाज जो है ना, बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज करता है। पेनक्रियाटिक एंजाइम्स कौन कौन से हैं हम आगे बात कर रहे हैं। देखिए पेनक्रियाज जो है ना, वो तीन तरह के एंजाइम्स रिलीज करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब देखते हैं जो जो प्रोटीन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, दीज आर डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। ओके, अब कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज करता है, देखो फर्स्ट एंजाइम है ट्रिप्सिन। ये पेनक्रियाज रिलीज कर रहा है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। सेकंड एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज डाइजेस्ट करेगा फैट को। एंड थर्ड जो है एमाइलेज। एमाइलेज जो कि डाइजेस्ट करता है स्टार्च को। 30% डाइजेशन तो हो चुका है ना स्टार्च का, अब 70% स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए पेनक्रियाटिक एमाइलेज यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, अब देखो इनका डाइजेशन हो गया। अब देखिए इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो पाई जाती है ना इंटेस्टाइन की वॉल में, वो फाइनली क्या करती है, ये प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को एकदम स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देती है। मींस हम कह सकते हैं फाइनली कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो वॉल जो है ना इसकी, इंटेस्टाइन की इनर वॉल को हम देखते हैं, तो इसके अंदर जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाई जाती है, बहुत सारी प्रोजेक्शंस पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, विले। विले का फंक्शन क्या है, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। विले के ऊपर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है। अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया है उसका एब्जॉर्प्शन यहीं से होता है। ठीक है, तो विले जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देख सकते हैं हम फूड डाइजेशन हो चुका है, अनएब्जॉर्ब फूड जो है अब लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, इट एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटीरियल एंड द रेस्ट ऑफ द मटीरियल इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस, एंड एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटीरियल इज़ रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके।